हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 32 है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक ये सब के बारे में जाने थे, और कंपोजिट फिगर क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, वेव क्या होता है, वो सब के बारे में जाने थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी दिए गए टी सेक्शन या फिर एल सेक्शन या फिर और भी कोई सेक्शन या फिर और भी कोई फिगर हो, उसमें सी जी कहाँ पर एक्ट करता है, वो सब के बारे में फाइंड करेंगे। तो आज की बेसिकली इस वीडियो में हम लोग टी सेक्शन में जानेंगे कि सी जी कहाँ पर एक्ट करता है, उसे कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए दोस्तों, ये मेरा एक टी सेक्शन दिया गया हो, इस पर सी जी कहाँ पर एक्ट करेगा, इसको हमको फाइंड करने के लिए सीखना है। और सेकंड पॉइंट ये पढ़ना है दोस्तों कि अगर यही टी सेक्शन अगर इन्वर्टेड रहे, मतलब कि उल्टा रहे, तब इसका सी जी कहाँ पर ऐड करता है, उसके बारे में दोस्तों जानना है आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपको आ गया है। इसमें दोस्तों आपको सिंपली एक टी सेक्शन दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है आपको दोस्तों। और इसमें बेसिकली दोस्तों आपको यही बोला गया है कि इसमें एक टी सेक्शन है। देखिएगा दोस्तों, इस वाले फिगर में थोड़ा सा फोकस बनाएंगे आप, इस वाले फिगर में दोस्तों, इसमें बेसिकली आपको क्या कहा गया है कि एक मेरा टी सेक्शन है। टी सेक्शन है कौन सा मेरा दोस्तों, वो देखिए, आपका जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा एक फिगर टी सेक्शन है। जिसमें से आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा कि ये टी सेक्शन है कि जो दो रेक्टेंगल से मिलकर बना गया है। तो पहला रेक्टेंगल कौन वाला है दोस्तों? तो पहला रेक्टेंगल मेरा ये वाला है। कौन वाला? तो ये वाला दोस्तों, ये वाला यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला, ये मेरा पहला रेक्टेंगल है दोस्तों। और दूसरा रेक्टेंगल कौन वाला है दोस्तों? तो दूसरा रेक्टेंगल ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरा ये वाला है, कुछ ऐसे, कुछ मतलब ऐसा है, मेरा फिगर थोड़ा सा तिरछा हुआ है लेकिन ये मेरा सीधा बना है। मान लीजिए दूसरा रेक्टेंगल ये वाला है, पहला रेक्टेंगल मेरा ये वाला है। तो इन दोनों रेक्टेंगल को बारी बारी से हमको पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस रेक्टेंगल में सी जी कहाँ पर ऐड करता है उसको फाइंड करना है, और फिर इस रेक्टेंगल में सी जी कहाँ पर ऐड करता है उसको फाइंड करना रहता है दोस्तों। तो चलिए सब हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आपको जो ए से लेके बी तक का जो दूरी है दोस्तों, वो आपको दिया गया है 100 मीटर, ठीक है। और बी से जो सी की दूरी है वो आपको दिया गया है 30 mm, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो ए से आपका एफ, मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस आपका दिया गया है 150 मीटर, ठीक है दोस्तों। और अगर हम 150 में से ये 30 घटा दें तो मेरा जी से एफ तक का भी डिस्टेंस मेरा आ जाएगा। कितना वो कितना जाएगा दोस्तों? तो 120 आ जाएगा। और इसमें दोस्तों, एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक लाइन हम किसे मानेंगे? तो एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक लाइन हम ये वाई वाले एक्सिस को एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक लाइन मानेंगे। एक्सिस ऑफ साइमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, ये सब हम प्रीवियस वाले लेक्चर में अच्छे से बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो मोटा माटी हम एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक लाइन आपको बता दें, वो लाइन जो किसी भी फिगर को या किसी भी फिगर को आपको दो इक्वल पार्ट में बांट दे, तो उसी को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहते हैं। तो इस वाले जो भी फिगर है मेरा दोस्तों, इसमें ये वाला जो लाइन है वाई वाला, ये इसको दो भाग में बांट दे रहा है, दो इक्वल भाग में बांट दे रहा है। तो दोस्तों ये, तो दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक लाइन तो मेरा ये वाला हो जाएगा वाई वाई, वाई एक्सिस वाला हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। और एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम नीचे वाला को एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लिया है। हम बताते हैं दोस्तों कि किसी भी फिगर में अगर हमको सी जी फाइंड करना है तो उसके लिए हमको एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना बहुत ही आवश्यक है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक लाइन भी चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको मोटा मोटी यही कहा गया है कि आपको एक 100 mm का ए बी दिया हुआ है, और बाकी फिर बी सी 30 का है, और ये जो हो जाएगा यहाँ से टोटल ए से लेकर एफ तक का 150 है। और फिर हम इसमें से 150 में से 30 घटा दिए तो ये मेरा 120 आ गया, यहाँ से मेरा ये 30 आ गया। जितना ये वाला है बी सी उतना ही मेरा एफ ई भी है। तो गिवन टी सेक्शन इज अ साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये जो टी सेक्शन है दोस्तों, ये मेरा साइमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, ठीक है दोस्तों, वाई एक्सिस से साइमेट्रिक है। इट्स सी जी विल बी लाइज ऑन दिस एक्सिस, अगर दोस्तों ये वाई एक्सिस से साइमेट्रिक है तो इसका जो सी जी होता है दोस्तों, वो भी किस एक्सिस पर लाइज करता है? तो अगर ये एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक होता तो सी जी इसका एक्स एक्सिस पर लाइज करता, और अगर ये वाई एक्सिस का साइमेट्रिक है तो सी जी इसका वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। तो ये दोस्तों वाई एक्सिस का साइमेट्रिक है तो सी जी इसका वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। और तो इसलिए दोस्तों, वी हैव कैलकुलेट द वाई बार ओनली, अगर वाई एक्सिस पर लाइज करता है इसलिए हम इसको खाली वाई बार निकालते हैं। अब बोलेगा दोस्तों एक्स बार नहीं निकाल सकते हैं, तो एक्स बार तो आपको ऑलरेडी आप आसानी से ही निकाल सकते हैं। एक्स बार कैसे? तो ये जो मैक्सिमम जो लाइन रहता है दोस्तों, इधर वाले पोर्शन से मैक्सिमम लाइन मतलब कि 100 है, तो इसका एक्स बार कितना जाएगा? तो 100
को हम 2 से डिवाइड कर दें, मतलब कि 100, और इसको भागा दे दें 2 से, तो ये 50, तो 50 ये मेरा कच्चे आ गया, ये मेरा आ गया एक्स बार। अगर इसका हम एक्स बार चाहे तो एक्स बार कैसा आता है दोस्तों, एक्स बार मतलब हॉरिजॉन्टल, तो इस फिगर को हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, तो ये मेरा ऐसा है तो इसका हमको हॉरिजॉन्टल निकालना है। तो 100 है पूरा, तो 100 का मध्य कर देंगे तो बीच मेरा सीरियलाइज करने लगेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जितना भी मैक्सिमम लेंथ है उसको बस आधा कर दीजिए, आपको एक्स बार निकल आएगा। मेन मोटिव रहता है दोस्तों इसमें वाई बार निकालने के लिए, क्योंकि वाई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम मान लिए क्या दोस्तों, तो लेट बॉटम फेस ऑफ द फिगर एफ ई बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जो बॉटम फेस है मेरा, ये मेरा जो बॉटम फेस है इसको हम क्या मान लिए, एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लिए, ठीक है। तो पोर्शन ए बी सी एच, मतलब कि ए बी सी एच में हम चलते हैं पहले, तो ए यहाँ से, बी यहाँ से, सी यहाँ से, एच मतलब कि ये पार्ट वन में चलते हैं, पोर्शन वन में मैंने फ्लैंक वाला में चलते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले एरिया निकालना है, एरिया बोले तो ए वन निकालना है, तो एरिया बोले तो इस कितना है मेरा, ये 100 है और ये मेरा कितना है 30 है, तो 100 मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ होता है दोस्तों, तो 100 × 30 कर दिए तो मेरा कितना आ गया 3000 mm, मतलब कि 3000 mm² आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरा एरिया फाइंड हो गया दोस्तों। अब हमको फाइंड करना है कि ये जो पोर्शन है ए बी सी एच है, ये जो रिक्टेंगल है इस पर सी जी कहाँ पर एक्ट करता है, इस वाले पर सी जी कहाँ पर एक्ट करेगा, तो उसको फाइंड करना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो टोटल है मेरा, ये कितना है मेरा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कितना है 30 है, ये वाला कितना है मेरा 30 है ना दोस्तों, ये वाला, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा कितना है, ये टोटल मेरा 30 है। तो अगर आपको इस वाले पोर्शन का आपको सी जी फाइंड करना है कि इस वाले रेक्टेंगल पर सी जी कहाँ पर एक्ट करेगा, तो इसका आपको अधिया करना पड़ेगा, मतलब कि आधा 30 का आपको आधा कर देना पड़ेगा, मतलब कि इस वाले से यहाँ पर आपको जो भी पॉइंट आता है बीच में, इस वाले पॉइंट पर मतलब समझिए कि आप इसको आधा कर दीजिएगा तो आपको सी जी लाइज करता है, तो आपको 30 को आधा कर देना, यानी कि 30/2, 30/2 कर दीजिएगा तो आपको सी जी कितना आ जाएगा, 30/2 यानी कि 15, यानी कि 15 mm पे आपको लाइज करेगा। किस दूरी से, तो आपको एच सी, जो एच और सी है इससे 15 mm की दूरी पर सी जी लाइज करता है। तो और दोस्तों हम यहाँ पर कितना 30/2 तो कर दिया है, लेकिन हम 120 ही क्यों लिखे हैं, तो हम बता दें दोस्तों 120 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस माने हैं वो हम किससे माने, तो एफ़ और ई को हम माने हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो एफ़ और ई से अगर हम डिस्टेंस ले जी और डी का, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, ये मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 120 है, ये मेरा 120 है, तो ई 120 है और ये मेरा कितना है 15 है, मतलब ये 30 है तो इसको हम आधा कर दिए तो 15 हो गया, तो ये 120 और 15 कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को पोर्शन वन मतलब कि ये वाले पोर्शन का एरिया और इस वाले पोर्शन का सी जी कैसे आया आपको पता चल गया होगा। बेसिकली दोस्तों एरिया निकालने में कुछ नहीं है, बस 100 × 30 कर देना आपको एरिया आ जाएगा, और आपको सी जी निकालना है तो आपको जो ये 30 है इसको आधा कर दीजिए, और हम रेफरेंस माने नीचे से, तो हमको नीचे से कितना कर देना है, तो नीचे से जितना भी रहेगा मेरा टोटल डिस्टेंस को जोड़ देना है इसके आधे वाले डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस था मेरा 120 है, और हम 30 को आधा किए तो मेरा आ गया 15, तो 120 और 15 हम जोड़ दिए तो मेरा आ गया 135। अब सेम केस हम सेकंड वाले फिगर के साथ अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो सेकंड पोर्शन है मेरा, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन में हम अप्लाई करेंगे वही सब बात। तो पहला हम जो रिक्टेंगल किस में अब जा रहे हैं, हम डी ई एफ जी, मतलब कि देखिए दोस्तों ये मेरा क्या है, डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, तो डी ई एफ जी में हम जा रहे हैं, तो डी ई एफ जी में जा रहे हैं, तो ए टू जो है एरिया, मतलब कि एरिया वन तो उसका हो जाएगा, तो एरिया टू इसका हो जाएगा, एरिया टू मैंने कि दूसरा पोर्शन है, तो हम एरिया टू इसका निकालेंगे, तो एरिया टू निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो ये मेरे कितना 120 है, ये कितना है 30 है, तो 120 × 30 कर देंगे तो मेरा 3600 आ जाएगा mm², ठीक है। अब इसका मतलब कि ये वाला ऊपर कहाँ पे हमको सी जी ऐड करेगा, हमको वो फाइंड करना है, पोर्शन टू में सी जी कहाँ पर ऐड करेगा हमको उसको निकालना है। तो इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, बस देखिए आपको ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 120 है, ये टोटल डिस्टेंस 120 है, तो जब टोटल डिस्टेंस 120 है और जब भी सी जी लाइज करेगा तो इसके आधा पर ही लाइज करता है, मैंने जो वर्टिकल है, जो मेरा वर्टिकल
लेंथ है उसको आधा कर दे तो मेरा सीजी वहाँ पे लाइज करता है। तो ये 120 है, 120 के अगर हम अधिया कर दे मतलब कि कितना, तो 120 भाग अगर 2 कर दे तो मेरा कितना जाएगा 60। तो ये 60 mm पे लाइज करता है। 60 mm कहाँ से, तो एफ ई से अगर डिस्टेंस ले 60 mm पे तो वहीं पे मेरा सीजी लाइज करता है। तो इसलिए मैं जो 120 इंटू 2 था उसको हम 120 था उसको हम 2 से भागा दे दिए तो मेरा आ गया 60 mm। तो यहाँ पर मेरा सीजी लाइज करता है पोर्शन 2 में। और पोर्शन 1 में सीजी कहाँ पे लाइज करता था, तो जो एच और सी था इससे हमको आधा मतलब कि इससे हमको 15 mm की दूरी पर सीजी लाइज करता था पोर्शन 1 में, और पोर्शन 2 में 60 mm की दूरी पर। और पोर्शन 1 में हम 120 क्यों जोड़े थे, क्योंकि हम रेफरेंस लाइन लिए थे नीचे से, इसलिए हमको नीचे से टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब नीचे से शुरुआत करना पड़ेगा। तो नीचे से ई कितना था, 120 था, और यहाँ पर हम निकाले तो 15 आ गया था। तो अब दोस्तों हमको वाइबर निकालना है, तो ये वाइबर का फार्मूला आपको ऐसा होता है, ये आपको फार्मूला है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। वाइबर बराबर कहता है कि जो A1 हम निकाल रहे हैं मतलब एरिया 1 उसको गुना कर दीजिए Y1 से, और जो A2 है मतलब एरिया 2 उसको गुना कर दीजिए Y2 से, और भागा में A1 प्लस A2 कर दीजिए। तो मेरा जो एरिया 1 था वो मेरा 3000 था, और Y1 हम कितना लाए थे, तो 135 लाए थे, ठीक है। एरिया 2 मेरा कितना है, तो 3600, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ 3600 है, और Y2 कितना है, तो मेरा 60 है, और यहाँ से A1 है, यहाँ से A2 है। तो ये सबको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 94.9 मतलब 94.09 mm। तो ये आपको क्या आ गया, तो आपको आपको ये आ गया आंसर, मतलब कि ये क्या कह रहा है दोस्तों, तो हेंस द सीजी ऑफ द होल सेक्शन, मतलब कि पूरे के पूरे जो सेक्शन है उसका सीजी लाइज करेगा वाई वाई एक्सिस पर। ये तो पता है हमको दोस्तों, एट अ डिस्टेंस हमको मेनली डिस्टेंस फाइंड करना था, तो किस डिस्टेंस पे, तो 94.09 mm फ्रॉम द एफ ई। कहने का मतलब कि देखिए दोस्तों, 94.09 आया वो कहाँ पर, मतलब कि जो हम रेफरेंस लाइन इसको लिए थे, इसको एक मिनट हम थोड़ा कलर अपना चेंज कर लेते दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेफरेंस लाइन हम इसको लिए थे, तो इस रेफरेंस लाइन से हम 94 mm ऊपर जाएंगे, मतलब 94.94 mm ऊपर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पर 94.94 हम 94.09 हम ऊपर आए, तो मान लीजिए दोस्तों इस पॉइंट हम यहाँ पर पहुँचे, तो इस पॉइंट पर मेरा सी जी ऐड करेगा, मतलब कि इस वाले फिगर पर यहाँ पर मान लीजिए कि सी जी मेरा ऐड करेगा। ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं एक तरह से, आपको ये वर्चुअली हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से आपको ऐड करेगा। तो बस वैसे ही दोस्तों, फर्स्ट वाले जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों बोल रहा है कि जो एक टी सेक्शन मेरा दिया गया है, ठीक है, उसका जो फ्लैंक होता है, फ्लैंक कहने का मतलब कौन सा दोस्तों, तो फ्लैंक होता है जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम फ्लैंक कहते हैं, और जो वर्टिकल रहता है उसको हम वेव कहते हैं। तो जो फ्लैंक रहता है, फ्लैंक मतलब कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाला को हम क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, और ये वाला को क्या कहते हैं, तो ये वाला को हम वेव कहते हैं, ये वाला को। तो जो फ्लैंक है उसका मेरा डायमेंशन दिया गया है 120 × 15, तो ये मेरा कितना आ गया, 120 हो गया यहाँ से, और ये मेरा 15 हो गया। और वेव का कितना है, 100 है और 15 है, तो ये मेरा कितना है, ये मेरा 100 है और ये मेरा 15 है। तो गिवन टी सेक्शन इज सिमेट्रिकल लाइज ऑन द वाई वाई एक्सिस, तो अब ये भी जो टी सेक्शन है ये भी आपको किस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल है, क्योंकि वाई एक्सिस इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है, एक्स एक्सिस इसको दो इक्वल भाग में नहीं बांट सकता है, तो वाई एक्सिस इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है, तो इसलिए हम इसको वाई एक्सिस को सिमेट्रिक लाइन ले ली है। और इसका जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है वो हम एफ और ई लिए है, मतलब कि नीचे वाले को हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिए हैं। तो बस वही बोल रहा दोस्तों कि अब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सी जी लाइज ऑन दिस एक्सिस, मतलब कि सी जी भी वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, तो इसलिए हमको क्या फाइंड करना है, तो वाई बार फाइंड करना है। और एक्स बार अगर इसमें आपको फाइंड करने के लिए बोले तो एक्स बार कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप ही बताइए एक्स बार कितना आएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों एक्स बार कितना आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग बता दिए होंगे। तो एक्स बार दोस्तों इसमें क्या आएगा कि आपको जो इधर है, इधर से आपको जो हम बताए दोस्तों कि हॉरिजॉन्टल फेस से आपको मैक्सिमम लेंथ तक जाना है, मैंने हॉरिजॉन्टल फेस से मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो 120 है मेरा ये टोटल, यहाँ तक के 120 है, तो बस इसी को आप अधिया कर दीजिए, तो इसी का अधिया कर देंगे तो मेरा 60 आ जाएगा, तो ये मेरा एक्स बार आ जाएगा।
तो मेनली हम दोस्तों एक्स बार तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है, तो हमको मेनली वाई बार फाइंड करना रहता है। अगर देखिए, अगर कोई भी फिगर अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट सेमेट्रिकल है, तो एक्स बार फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगा। और अगर कोई फिगर एक्स बार मतलब कि एक्स वाले के अबाउट सेमेट्रिकल है, तो वाई बार फाइंड आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमको वाई एक्सिस के अबाउट सेमेट्रिकल था, तो इसमें हमको वाई बार ही फाइंड करने में मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो हमको वाई बार फाइंड करने में मुश्किल तो होगा, तो चल लेकिन चलिए हम उसको फाइंड भी करते हैं। तो द बॉटम फेस ऑफ द फिगर एफ ई इज़ द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, मतलब बात वही सेम है, एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस खाली वैल्यू अलग अलग है। तो अब फिर से हम एफ ई को ही क्या माने, तो रेफरेंस लाइन माने हैं। तो अभी जो एरिया वन है, एरिया वन किसके लिए, तो ए बी सी एच के लिए, मतलब कि इस वाले के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए, ए बी सी एच ये वाले पोर्शन के लिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 120 × 15, तो 120 × 15 यानी कि 1800। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि इस वाले फिगर में सी जी कहाँ पर ऐड करेगा, पोर्शन ये वन है, ये वाला पोर्शन वन है, तो इसका सी जी कहाँ पर ऐड करेगा। तो रेफरेंस लाइन हम किसे माने, तो रेफरेंस लाइन हम नीचे से माने, तो इसका सी जी कहाँ पर ऐड करेगा वो छोड़िए, हमको जब भी होगा हमको लेना तो होगा नीचे से ना। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हम 100 लिखेंगे, क्योंकि यह तो मेरा पूरा का पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके हमको यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा पहले। तो हम 100 ले लिए। अब रह गया बात इसका पोर्शन वन का, तो पोर्शन वन में कितना है, 15 है, तो इसको आप अधिया कर दीजिए, वहीं पर सी जी लाइज करता है, यानी कि अधिया कर देंगे तो मेरा कितना जाएगा, 7.5 आ जाएगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा। तो इसको हम 15/2 कर दिए, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 107.5 mm। तो बेसिकली आपको सी जी यहाँ पर ऐड करेगा। तो इसको हम अधिया क्यों किया है, तो हम बताया दोस्तों प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको जो भी जो मैंने जो टोटल डिस्टेंस था बी सी, उसको आप आधा कर दीजिएगा, तो आपको सी जी लाइज करता है। तो बेसिकली अब अगेन द रेक्टेंगल डी ई एफ जी, मतलब कि दूसरा वाला पोर्शन में अब हम लोग चल रहे हैं, तो दूसरा वाला पोर्शन में चलेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा, तो उसका एरिया कितना है, तो ये मेरा कितना है, 100 है, और ये मेरा कितना 15 है, तो 100 × 15 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 1500 mm². ठीक है, और वाई टू, तो इसका आप सी जी कैसे ऐड करेगा, आपको इसको सी जी कैसे फाइंड करना है। तो बताया दोस्तों जो वर्टिकल फेस रहता है उसको आप अधिया कर दीजिए। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें आप होरिजोन इसमें हम होरिजोनटल फेस को अधिया कर रहे थे, अब इसमें हम वर्टिकल फेस को अधिया करेंगे। तो इसमें हम वर्टिकल फेस को अधिया कर देंगे, मतलब कि वर्टिकल फेस मेरा कितना है, वर्टिकल लेंथ कितना है, मेरा 100 था, तो मेरा वर्टिकल जो लेंथ है वो 100 है, तो इसको हम अधिया कर देंगे तो मेरा कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम वर्टिकल लेंथ को अधिया कर दिए, यानी कि 100 × 2 कर दिए, तो मेरा आ जाएगा 50 mm। ठीक है, और यहाँ से हमको अब वाई बार फाइंड कर देना है, तो वाई वाला फार्मूला पुट कर देना है और वैल्यू सब पुट कर देना है, ए वन वाई वन का वैल्यू, एरिया टू और वाई टू का वैल्यू सब पुट करेगा, आपको आ जाएगा वैल्यू 81.36। तो ये जो 81.36 mm आया, ये कहाँ से आया, तो मान लीजिए आप रेफरेंस लाइन नीचे वाला को लिए थे आप, तो ये जो रेफरेंस लाइन से 81.36 mm ऊपर जाना है, तो ये मेरा टोटल कितना था, 100 था, तो इससे हमको यहाँ से उठना है, ऐसे ऐसे जाना है, और कुछ नीचे मतलब यहीं तक हमको बढ़ना है, क्योंकि ये पूरा पूरा ऊपर चल जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो मेरा तो आंसर 81 आया है, तो मैंने 81, तो यानी कि इसके पैरेलली आपको आ जाना है यहाँ पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर आपको सी जी ऐड करेगा। तो आप इस फिगर का भी सी जी निकाल चुके हैं। अब एक और फिगर है दोस्तों, जो कि इन्वर्टेड टी सेक्शन है, जो भी इससे प्रीवियस वाले था वो दोनों टी सेक्शन था, सीधा मुंह है, लेकिन ये जो टी सेक्शन है ये इन्वर्टेड टी सेक्शन है। तो इन्वर्टेड टी सेक्शन में जो फ्लैंक है उसका मेरा डायमेंशन दिया गया है, मेरा 60 × 10 है, और जो वेव है वो मेरा 50 × 10 है। तो फ्लैंक मेरा ये वाला होता है दोस्तों, जो कि हॉरिजॉन्टल रहता है, यानी कि कहने मतलब कौन वाला, तो ये वाला होता है फ्लैंक, ये वाला होता है, और वेव मेरा ये वाला होता है वेव। तो फ्लैंक मेरा कितना दिया है, 60 × 10 दिया हुआ है, और वेव मेरा 15 × 10 दिया हुआ है। तो बस इसमें तो खास कुछ करना नहीं है, वैसे ही जैसे प्रीवियस में बताया वैसे ही करना है। तो ये भी जो सेक्शन है, टी सेक्शन है, इन्वर्टेड टी सेक्शन है, ये भी वाई वाई एक्सिस का सेमेट्रिकल है, तो इसका भी जो सी जी है वो भी वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, तो इसलिए हमको सिर्फ वाई बार ही फाइंड करना है। अगर इसका पूछे कि एक्स बार कितना आएगा, तो एक्स बार आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी हैव कैलकुलेट ओनली एक्स बार, आप एक्स बार ओनली तो कैलकुलेट कर ही लीजिए, लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि एक्स बार कितना आएगा, हम वाई बार तो निकाल लें यहाँ से, लेकिन एक्स बार कितना आएगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल फेस में कितना है, 60 है, तो इसका आपको अधिया कर देना है, यानी कि 30, तो यानी कि 30 पे ये आपको ऐड करेगा। तो चलिए हम एक्स बार तो फाइंड करना बहुत ईजी है, लेकिन हमको मेनली वाई बार पर फोकस बनाना है, क्योंकि वाई बार ही मेन रहता है।
तो इसमें बेसिकली दोस्तों आपको यही बताना है, एक नोट पॉइंट में आप यह नोट कर लीजिएगा कि आपको जिस वाले एक्सिस पे साइमेट्रिकल होगा, माने कोई भी पिक्चर या कोई भी सेक्शन जिस एक्सिस पे साइमेट्रिकल होगा, मेनली आपको उसी एक्सिस को फाइंड करना रहेगा। ये मेरा वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल है इसलिए हम वाई बार फाइंड करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के साइमेट्रिकल होता तो एक्स बार फाइंड करते हैं। तो मेनली जो लोअर फेस ऑफ द फिगर है, यहाँ पर एफ ही नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर ए और ये बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। ये लोअर फेस क्या है मेरा पिक्चर का, तो एफ ही है, एफ ही तो मेरा अपर फेस है, मेरा लोअर फेस तो ये वाला है, तो ये मेरा एफ जो ए बी है ये मेरा लोअर फेस है, तो इसको हम मान लीजिए है एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फॉर रेक्टेंगुलर ई डी जी एफ, मतलब कि पोर्शन वन में भी हम चल रहे हैं, मतलब कि ये वाला पोर्शन में हम चल रहे हैं। आप पोर्शन किसी को भी मान सकते हैं, आप पोर्शन इसे भी वन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप रेफरेंस लाइन हम बार बार नीचे को ले रहे हैं, तो आप रेफरेंस लाइन ऊपर वालों को भी ले सकते हैं, अब उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप रेफरेंस लाइन ऊपर वालों को लीजिए और वहाँ से आप अपना सी जी जो है, मेनली सी जी आप अच्छे से एक्यूरेट निकालिए। तो हम बेसिकली नीचे वाले के रेफरेंस लाइन लिए, तो अब पोर्शन वन में चल रहे हैं, तो पोर्शन वन का एरिया पहले निकालेंगे। तो ये मेरा कितना है 50 है, ये मेरा कितना है 10 है, तो 50 × 10 हम कितना ले आए, तो 500 ले आए। अब इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का मेरा सी जी कितना आएगा, मेनली हमको ये फाइंड करना है। तो इस वाले पोर्शन का सी जी कितना आएगा, तो हम रेफरेंस लाइन कितना लिए, तो हम नीचे से लिए है, तो वो कितना हो भी आए लेकिन ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, तो पहले हम ये 10 लिख दिए। और अब बताए थे उसको कि अगर हम हॉरिजॉन्टल फेस है वो, तो उसको अब अगर हमको सी जी फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल फेस को अधिया कर दीजिए ना, तो बस हॉरिजॉन्टल फेस को अधिया कर दिए, तो मेरा आ जाएगा कितना 35 mm आ गया। अब ए टू मैंने जो पोर्शन सेकंड था उसका हम लोग एरिया निकालेंगे, तो उसका मेरा आ जाएगा 600 mm², और जो वाई टू था मतलब कि इस वाले फिगर का मेरा जो सी जी, मतलब कि वाई टू इस वाले फिगर का मेरा सी जी वो कितना आएगा, तो आपको जो हम बताया था उसको, ये वर्टिकल फेस था तो वर्टिकल फेस को मध्य कर दीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल फेस है तो हॉरिजॉन्टल फेस को मध्य कर देंगे, तो ये मेरा 10 है, 10 का मध्य कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ये मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बस वही फार्मूला पुट कर देना है, तो मेरा 18.63 mm आ गया है। तो ये आपको सी जी ऐड कर रहा कहाँ से, 18.63 के डिस्टेंस है कहाँ से, तो ए बी से, मैंने ए बी कहने का मतलब कहाँ से, ये जो हम रेफरेंस लाइन लिए है नीचे वाला, यहाँ से हमको 18 जाना है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से हल्का सा ऊपर जाना है, और इसके पैरेलली मतलब यहाँ पर मेरा सी जी एक्ट करेगा 18, मुझे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 18, 18 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि 18.63 मेरा आया, तो ये मेरा 18.63 पे एक्ट करेगा आपका सी जी। अब इसलिए दोस्तों अगर आप इस वाले एक्सिस को, अगर इस वाले एक्सिस को आप एक्सिस ऑफ रेफरेंस मानते हैं, तो हमको वो भी आपको हम बता ही देते हैं दोस्तों कैसे होता है। अब मानिए दोस्तों हम ए बी को एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम नहीं मानते, हम मानते एफ ई, जो एफ ई है ऊपर वाले उसको हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो पोर्शन वन में हम चलते, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पोर्शन वन का हम पहले एरिया निकालते हैं, तो एरिया तो सेम निकलेगा 50 × 10, तो एरिया मेरा आ जाएगा सेम। लेकिन अगर हम रेफरेंस लाइन इसको मानते हैं और इसका अगर हम सी जी निकालते हैं, तो अगली बार में हम ये 10 है ये 10 ऐड नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम रेफरेंस तो ऊपर से ही ना लिए है, तो ऊपर से ही लिए है, तो ऊपर से ही इस पिक्चर का मतलब कि इस वाला जो सेक्शन है मेरा, इसका रेफरेंस कितना हो जाएगा, तो बस सिंपली हम 50 कहीं अधिया कर देंगे, हम 50 के अधिया कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, नहीं होता दोस्तों कि ऊपर ऊपर को ही हम रेफरेंस लिए है, तो ऊपर से ऊपर ही निपट जाएगा ही, हमको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऊपर से ऊपर ये निपट जा रहा है, तो निपट जा रहा है ऊपर से ऊपर, तो यानी 50 × 2 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा वाई वन था वो 35 आया है, वह मेरा आ जाएगा 25, ठीक है। अब रह गया ए टू, तो ए टू भी मेरा सेम ही आएगा, ए टू जो है मेरा वो भी सेम आएगा, मतलब कि 60 × 10 रहेगा, ठीक है। और लेकिन रह गया बात वाई टू, तो वाई टू जो है दोस्तों अगर हम रेफरेंस लाइन ऊपर वालों को मानते हैं, तो अगली बार में ये 50 के 50 पूरा का पूरा आता, मतलब कि ये जो हम, क्योंकि हम सी जी हमको इसको निकालना है ना, इस वाले फिगर का ना सी जी निकालना है मेरा, तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम इस वाले सेक्शन को निकाल रहे हैं ना सी जी, अगली बार में इस वाले सेक्शन को निकाल रहे हैं, तो अगली में क्या कि 50 के 50 ही पूरा जुटेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल फेस उसको सिर्फ हम अधिया करेंगे, यानी कि 50 है और 10 के अधिया, यानी कि 50 + 10/2, तो ये हो जाएगा मैं कितना 55। तो अभी में जो वाई टू का वैल्यू होता वो मेरा वाई टू का वैल्यू आ जाता 55, और फिर उसको हम सॉल्व कर देते तो मेरा जो भी डिस्टेंस है वो समथिंग कुछ दूसरा आता डिस्टेंस, वो डिस्टेंस लेकिन हम कहाँ से लेते हैं, तो फिर वो जो डिस्टेंस लेते हैं हम, वो हम यहाँ से लेते हैं, ऊपर वाले से लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि अभी हम जो डिस्टेंस लिए हम नीचे से लिए है तब मेरा आया है 18, और आप अगर ऊपर से लीजिएगा तो आपको कुछ समथिंग दूसरा आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप नीचे से 18 आया है और ऊपर से समथिंग आप कुछ आ जाए और दोनों को जोड़िएगा तो आपको 60 आ जाना चाहिए, मैंने कि 50 है या 10 है, मतलब कि 60 आ जाएगा तो समझिए कि आपका आंसर सही है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो एक बार आप ऊपर वाले एक्सिस को रेफरेंस लीजिए और एक बार नीचे वाले एक्सिस को रेफरेंस लीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले एक्सिस को रेफरेंस लेने के बाद जो वाइबर का वैल्यू आएगा और जो नीचे वाले एक्सिस को रेफरेंस लेने के बाद जो वाइबर का वैल्यू आएगा उन दोनों का जोड़िएगा तो ये 50 और ये 10 + 60 के बराबर होगा, मतलब कि ये 60 के बराबर होगा। अगर नहीं हुआ 60 के बराबर तो आपका आंसर गलत है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को टी सेक्शन का सीजन निकालने के लिए आ गया होगा और इन्वर्टेड टी सेक्शन का भी सीजन निकालने को आ गया होगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल किस वाले वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में। अगर वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहे वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।